आइए आज हम आपको गन्नौर के जेजेपी प्रत्याशी रणधर मलिक से चुनावी हलचल के बारे में कुछ बातें करते हैं। मलिक साहब, अर्थ प्रकाश टीवी में आपका स्वागत है। आपका गन्नौर हलके के विकास को लेकर और यहाँ की समस्याओं के बारे में आपकी पार्टी की क्या नीतियाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने यहाँ आप फेस टू फेस होने का मौका दिया मेरे को। और जहाँ तक सवाल है गन्नौर के विकास का, गन्नौर में जो है 10 साल कांग्रेस का राज था, पीछे 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। गन्नौर में आज तक एक भी ना तो सरकारी कॉलेज है, ना ही कोई हमारे यहाँ को बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल है, ना कोई हमारे लिए महिलाओं के लिए जो है कोई कॉलेज है अलग से। तो सबसे पहले तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारी ये पहला काम होगा कि यहाँ जो है हम सरकारी कॉलेज बनवाएंगे। अच्छा मलिक साहब, अभी अभी आपके ऊपर को 2-3 दिन पहले एक जानलेवा हमला हुआ है, आप उसको चुनाव से कितना जोड़ कर देखते हो? विरोधियों का है आपका वो? ये असल में क्या था जी, कुछ ज़मीन थी हमारे पास वक्फ की, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इसमें, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के OSD हुआ करते पहले, अब तो पूर्व OSD हैं वो, भूपेश्वर जी दयाल, उनके दबाव में जो है यहाँ का जो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, और जो है उन्हीं के जो है इशारे पे जो है सारा हुआ है। एक हमारा जो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है कि तुम्हारे कैंडिडेट को ही नुकसान होगा जितना इनका चुनाव चढ़ेगा, और वो हमारे को यूँ था कि भैया कन्फ्यूज़ रहेंगे या फंस जाएंगे, इनका ध्यान जो है चुनाव से हटका है, जिस तरह अब हमारे 2 दिन ख़राब हो गए। तो इसमें इनकी भी जो है सारी ये है, हम देखते हैं कि ये BJP का ही जो है सारा किया कराया खेल है। मलिक साहब, आपने कांग्रेस में काफ़ी वक्त बिताया है, उसे छोड़ने के आपके क्या मुख्य कारण रहे हैं? ऐसा है जी, कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है, और वहाँ जो है पैसे वाले बहुत मोटे मोटे आदमी बैठे हैं, वहाँ जो है बड़े जो व्यापारी हों या बड़े पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके हाथ में जो है वहाँ टिकटों का बंटवारा, बगैर पैसे के लेना देना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक आम आदमी आम कार्यकर्ता की पहुंच से बाहर है वहाँ कांग्रेस। और इसीलिए जो है JJP में आए हैं, यहाँ तो एक आम कार्यकर्ता को भी मौका मिल गया जिस तरह मेरे को मिल गया। आप हमारे चैनल के माध्यम से गन्नौर हलके की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं गन्नौर की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि JJP पार्टी जो है, जननायक जनता पार्टी जो है, 36 कौम की पार्टी है, इसमें जो है हर वर्ग के लोग जो है हैं, इसके किसी भी जात पात का जो है इस पार्टी के ऊपर नहीं है, क्योंकि जो देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली ये पार्टी है, और सबका सहयोग साथ लेकर हम चलने वाले हैं। भाई दुष्यंत जी के साथ जो है 36 बरादरी जो है आज लगी हुई है, और आने वाले समय में आप देखना चुनाव के नतीजे जो आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, उससे उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वाकई में ही JJP के साथ 36 कौम के जो है लोग थे, जो ये आश्चर्यजनक नतीजे आए, और भाई दुष्यंत सिंह जी चौटाला सरकार बनाने में कामयाब होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अर्थ प्रकाश TV के लिए गन्नौर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।